हम बात कर रहे थे आपके SST के चैप्टर 5 के बारे में, तो आज हम इसकी चौथी और अंतिम क्लास के बारे में बात करेंगे। तो पिछली क्लास में अपने पढ़े थे लोकतंत्र के गुण, आज अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र के दोष क्या क्या हैं और इसकी जो लोकतंत्र के लिए अनुकूल स्थितियां कौन सी है, यानी सफल बनाने के लिए स्थितियां कौन सी है, परिस्थितियां, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में, तो आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो देख ले, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। लोकतंत्र के दोष और विपक्ष के तर्क, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यानी आपको पूछ ले विपक्ष के तर्क क्या है या लोकतंत्र के दोष क्या है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। लोकतंत्र में व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्वक, पहला सबसे दोष है लोकतंत्र की व्यक्ति से संबंधित भ्रमपूर्ण धारणा, यानी ऐसी धारणा जो भ्रम उत्पन्न करिए। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानकर उसे मताधिकार तथा राजनीतिक निर्णय का अधिकार देता है। यानी लोकतंत्र ये मानता है कि व्यक्ति है वो बहुत बुद्धिमान और विवेक से संबंधित है, ठीक है, तो उसे क्या है, मत का अधिकार दिया है, और तथा राजनीतिक निर्णय लेने का भी अधिकार किसको दिया है, व्यक्ति को दिया है। लेकिन आलोचकों का मत है, यानी इसके जो आलोचना करने वाले हैं उनका यह कहना है कि व्यक्ति प्राय अपने मूल संवेगों व आवेगों के में संचालित होता है, इसलिए वह व्यक्तियों को मताधिकार दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र मिलता है। यानी लोग खुद की अपनी समझ से न देखे ऐसे संचालित होते हैं कि मतलब जिधर भीड़ जा रही है उधर के उधर, मतलब दूसरा कैसे कर रहा है उसके संचालन के पीछे पीछे भी क्या करते हैं, सब लोग चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, लोकतंत्र की वजह भीड़ तंत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है, इसमें गुणों की उपेक्षा संख्या का अधिक महत्व दिया जाता है। यानी उपेक्षा उदासीनता का मतलब होता है लोकतंत्र में बुद्धिजीवी, यानी जो बहुत ज्यादा समझदार और ईमानदार व्यक्ति होते हैं वो राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। राजनीति में क्या होता है, वो गुणों की अपेक्षा संख्या का अधिक महत्व देते हैं, वो इसके गुणों की वजह इनकी संख्या में अधिक महत्व देते हैं राजनीति में। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। यहां पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा वोटों की संख्या पर ध्यान दिया जाता है, ना कि व्यक्ति के गुणों पर, उसके गुणों पर ध्यान दिया जाता है राजनीति के। ज्यादा से ज्यादा मत कैसे प्राप्त करें, सारा राजनीतिक दल इसी पर ही ध्यान देता है। इस कारण से समाज में क्या है, बुद्धिजीवी जो समझदार लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग, वो क्या करते हैं, राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्व, यानी शैक्षणिक महत्व का जो दावा है वो भी भ्रमपूर्ण है। कैसे, लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और राष्ट्रप्रेम की शिक्षा देता है। यानी जो लोकतंत्र है वो व्यक्ति को नागरिक शिक्षा यानी नागरिकता के बारे में समझाता है, यानी मानवता की शिक्षा देता है, नैतिक शिक्षा यानी नैतिक कर्तव्यों की शिक्षा, तथा राष्ट्रप्रेम यानी देश के प्रेम के बारे में शिक्षा देता है। लेकिन वास्तविक स्थिति इससे एकदम अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो क्या करती है, अपने स्वार्थ के लिए प्रचार करती है और यह बता देती है कि ये देश के हित के लिए, भलाई के लिए, यानी देश के लिए काम कर रहे हैं हम, जबकि उनका मेन मकसद क्या होता है, अपना खुद का प्रचार करना। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तथा जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उनकी भावनाओं को भड़काते हैं। राजनीतिक में क्या होता है, राजनीतिक में एक दल दूसरे दल पर और दूसरा दल उस वाले दल पर क्या करता है, आरोप लगाता रहता है, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। राजनीतिक दल सिर्फ ये कार्य है कि एक दूसरे पर आरोप लगाना और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए। अब जनता के क्या है, अपने वोट क्या करते हैं, वोट बनाने के लिए यानी वोट लेने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी भावना को भड़काते हैं, यानी जातिवाद, उनके बीच जातिवाद फैलाना या कई तरह की उनके बीच ऊंच नीच की भावना उत्पन्न कर देता है, ठीक है, यानी देश में जातिवाद फैलाकर वोट लेना और ये सारे इसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, लोकतंत्र का एक दोष हो गया। उसके बाद अगला है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भी भ्रमपूर्ण है। इसके अंदर लोकतांत्रिक व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है। लोकतंत्र क्या करता है, व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है, किंतु यह आर्थिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान नहीं करता है। यानी आर्थिक रूप से, यानी कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो कोई बहुत ज्यादा अमीर है, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अर्थहीन हो जाती है। यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से एक दूसरे से बहुत अलग है,
तो क्या होता है वो उसके बराबर नहीं होता। तो इसलिए वो क्या होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वो राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको राजनीति से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। उसके बाद है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, यानी राजनीतिक दल है वो उनका क्या क्या दुष्प्रभाव है। लोकतंत्र में संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, सबसे आवश्यक ये माने जाते हैं लोकतंत्र को चलाने के लिए, कि जो राजनीतिक दल हैं वो सबसे ज्यादा आवश्यक माने जाते हैं। किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी हैं, इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। अब राजनीतिक दल ही खुद ही क्या होते हैं, उनमें ही दोष होता है, तो फिर लोकतंत्र में तो दोष होगा ही होगा। तो इसके कारण लोकतंत्र का विकार, यानी लोकतंत्र में भी क्या होते हैं, अनेक तरह के जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता है। अब लोकतंत्र में मान लो देश के अंदर कोई ऐसी असफलता हो गई है बड़ी, तो क्या करता है, कोई भी पक्ष, कोई भी राजनीतिक पार्टी उसको अपने ऊपर नहीं लेती है, दूसरी पार्टी पर थोप देती है कि उस पार्टी ने ऐसा किया, उसकी वजह से ये हो रहा है। जब भी कोई बड़ी सफलता असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल उसके लिए उत्तरदायी बनाती है, यानी सरकार विरोधी दल, यानी दूसरे दल, जो पार्टी एक सरकार चला रही है, जो सरकार में जो चुनाव में हार चुकी है उसके ऊपर क्या करती रहती है, आरोप लगाती रहती है। यानी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है, कोई भी उसकी हार यानी असफलता की जिम्मेदारी नहीं लेता है। उसके बाद है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय, यानी लोकतंत्र के अंदर बहुत ज्यादा सार्वजनिक धन का और समय का अपव्यय होता है, यानी फालतू काम का खर्च होता है। कैसे, देखो लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण व कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है। जब कोई नीतियां बनती है और कानून बनता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा धन का व्यय होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा बैठकें करनी पड़ती है, बैठकें बहुत लंबी चलती है, जिससे बहुत ज्यादा धन का व्यय होता है, फालतू काम खर्च होता है, और समय की भी बर्बादी होती है, और साथ में समय की भी बर्बादी होती है। इसी प्रकार आम चुनाव में भी राष्ट्रीय धन व समय की बहुत हानि होती है। अपन आम चुनाव देखते हैं तो आम चुनाव क्या होते हैं, अपने लिए तो फ्री होते हैं, लेकिन सरकार में उसमें बहुत ज्यादा खर्च लगता है। अपने देखते हैं उसके अंदर ईवीएम मशीनें, वहां पर जो काम करने वाले कर्मचारी, तो इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, खर्चा होता है, और साथ में समय की भी बर्बादी होती है। तो ये भी एक लोकतंत्र का दोष है। उसके बाद है उदासीन मतदान। उदासीन मतदान का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनाव में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते। लोकतंत्र वैसे तो क्या कहा जाता है, जनता का शासन कहा जाता है, कि जनता अपने द्वारा शासन चलाती है, लेकिन चुनाव में मतदान में पर्याप्त रुचि नहीं लेते। बहुत सारे लोग अपन देखते हैं चुनाव में रुचि भी नहीं लेते हैं। राजनीतिक दल में उम्मीदवार अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद मतदान 50 से 60% के बीच ही भाग लेते हैं, यानी बहुत ज्यादा अपन देखते हैं चुनाव आने से पहले 2-3 महीने सारी राजनीतिक पार्टियां लग जाती है कि चुनाव चुनाव है, वह मतदान करना चाहिए आपको सभी को, और उम्मीदवार भी क्या करते हैं बहुत ज्यादा उसके अंदर लोगों को वोट दिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं 50 से 60% ही टोटल वोट पड़ते हैं। तो यानी 40% से ज्यादा तो लोग ने वोट ही नहीं दिया, इसका मतलब उनको तो इस लोकतंत्र से क्या है, कुछ लेना देना ही नहीं है, यानी वो लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते हैं, यानी उनको इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अगला जो दोष है वो है संकट काल की दृष्टि में कमजोर शासन, यानी संकट काल की स्थिति, कोई संकट काल आ जाता है तब ये लोकतांत्रिक शासन है वो सबसे कमजोर माना जाता है। कैसे, युद्ध तथा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र कमजोर सिद्ध होता है। अगर मान लो युद्ध की स्थिति आ गई है या कोई ऐसा बहुत बड़ा संकट आ गया, उस स्थिति में लोकतंत्र को सबसे कमजोर साबित होता है, क्योंकि यह शीघ्र व गुप्त निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। यानी ऐसे कोई मान लो युद्ध की स्थिति है, वहां अचानक से कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ गया, तो लेकिन लोकतंत्र में तो क्या होता है, पहले राजनीतिक में उसको पार्टी को दिया जाता है कि हम ऐसा निर्णय ले रहे हैं, सरकार द्वारा उसको अगर सही कहा जाता है तब जाके निर्णय लिया जाता है, इतने में बहुत ज्यादा लेट हो जाती है। तो यानी ऐसे निर्णय जो बहुत ज्यादा शीघ्र लेने और गुप्त निर्णय लेने हो, तो ऐसा लेने में सक्षम नहीं है लोकतंत्र, तो ये भी एक लोकतंत्र का दोष है। वहीं अगले की बात करें, लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। लोकतंत्र कहते तो अपने पढ़ा था, इसके अंदर एक गुण भी पढ़ा था कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक है, लेकिन वास्तव में देखें तो ये ऐसी स्थिति नहीं है। कैसे, लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं, यानी लोकतांत्रिक जो भी राज्य है वो पूंजीवादी होते हैं, यानी बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं। पूंजीवादी युद्ध तथा साम्राज्य को जन्म देते हैं, और जहां ज्यादा पैसा होगा ठीक है वहीं पर क्या होगा, आपसी झगड़े या युद्ध की स्थिति वहीं पर होगी। अतः लोकतांत्रिक राज्यों में विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जाता है, इसलिए लोकतंत्र को क्या है, विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जाता है। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों में युद्ध व साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। ये खुद क्या है, लोकतांत्रिक राज्य होने के बाद में ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या है, युद्ध की स्थिति को और साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था।
यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक है। तो ये जो अपने पढ़े थे 10, ये थे लोकतंत्र के जो दोष हैं, या अपन कह सकते हैं लोकतंत्र की जो विपक्ष के तर्क में, विपक्ष यानी लोकतंत्र के विरुद्ध में जो तर्क थे वो थे। अब अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, इस लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां, उसके बारे में अपन बात करेंगे। वैसे तो देखो लोकतंत्र हर चीज को अपन कह दे कि ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है, इतनी स्थितियां लिखी हुई है, परिस्थितियां हैं कि इसको पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो एक व्यक्ति को कहा जाए, बीमार व्यक्ति को, कि आपको ये चीज नहीं खानी, ये चीज नहीं खानी, आपको घर से नहीं निकलना, आप खराब पानी नहीं पीना, बहुत सारी आपको एनी टाइम हर ये पालना करनी है, तो वो सारी चीजें करना संभव नहीं होता है उतना। लेकिन कुछ स्थितियां फिर भी बताई जाती है, ठीक है, तो यहां पर भी उसके लिए बताई गई है। देखो कौन सी, कोई भी शासन प्रणाली विशिष्ट परिस्थितियों में ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है, यानी कोई भी शासन प्रणाली है वो विशिष्ट यानी विशेष परिस्थितियों में ही सफलतापूर्वक रह सकती है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में उस प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर उसका पतन हो सकता है। यानी अगर स्थितियां उसके प्रतिकूल है, यानी उसके विरोध में स्थितियां हैं, तो फिर वो अपने आप ही विफल हो जाएगी, पतन हो जाएगा उसका। अब निम्न परिस्थितियों को संचालन से सहायक बना सकती है लोकतंत्र को, कौन कौन सी परिस्थितियां वो देखते हैं। सबसे पहला है शांति व्यवस्था। फिर से आपको बता देता हूं, जो लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक परिस्थिति है, आपको नाम याद करना है, नाम से ही आप इसको डिटेल में अगर ध्यान से सुनोगे तो याद रह जाएगा। देखो कौन सा, शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देश की आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो, यानी देश के अंदर शांति रहे, तथा युद्ध तथा बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो, यानी ऐसा कोई भी भय नहीं हो कि दूसरे बाहर से कोई आक्रमण कर सकता है या युद्ध कर सकता है। ऐसी अवस्था में सत्ता विकेंद्रीकरण बना रहता है, यानी सत्ता अपने कार्यों में लगी रहती है, ठीक है, उसको कोई भी भय नहीं रहता, तथा व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है, और व्यक्ति अंदर जो अपने देश के अंदर है स्वतंत्र रहता है। तो ये पहली थी लोकतंत्र की वो परिस्थिति जो लोकतंत्र को सफल बना सकती है। इसके बाद है दूसरी परिस्थिति है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, यानी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था वो क्या हो, सुदृढ़ हो, बहुत अच्छी हो। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक है, यानी जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है, यानी ऐसी स्थिति आ जाती है जब क्या हो, अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही है, यानी अर्थव्यवस्था खुद यानी कमजोर है, तब क्या हो सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा सकती है, तो उसे विपरीत स्थिति आ सकती है। अगली स्थिति है आर्थिक समानता की स्थापना। लोकतंत्र में सफल संचालन हेतु राष्ट्र में यथासंभव समानता का होना भी आवश्यक है, ताकि राज्य में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो तथा गरीबी व अमीरी के बीच चौड़ी खाई ना हो। यानी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या हो, जहां तक हो सो लोगों में समानता होनी चाहिए, ठीक है, और वर्ग संघर्ष नहीं होना चाहिए, यानी आपस में किसी वर्ग में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, और अमीर और गरीब के बीच में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी खाई यानी बहुत बड़ा एक गैप बन जाए, जिससे क्या हो एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उसके बाद अगली जो परिस्थिति है सामाजिक न्याय की स्थापना, यानी सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, लिंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर क्या भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, मतलब लोगों में इनके बीच इनको लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति से लेकर, भाषा से लेकर, कोई धर्म से लेकर, लिंग से लेकर, रंग से लेकर, इनमें कोई लोगों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान माने जाएं, चाहे वो अमीर हो चाहे कितना ही गरीब हो, सबको कानून के सामने बराबर माना जाए, और न्यायालय समान कानूनी संरक्षण दे, और न्यायालय क्या करे उनको समान सभी को क्या है, अगर मान लो कोई गलत काम करता है तो कानून सभी के लिए समान ही होना चाहिए। उसके बाद है शिक्षित तथा जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है, यानी अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो जितनी जनता जागरूक होगी और शिक्षित होगी तो उतना ही लोकतंत्र सफल रहेगा। इससे स्वस्थ व जनमत का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। जनता सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों व कार्यों का विरोध करने में समर्थ होती है। अगर मान लो सरकार जनता के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो जनता विरोधी नीति और कार्यों का विरोध करने में समर्थ होती है। अगर जनता क्या हो, शिक्षित हो और जागरूक हो तो ये कर सकती है। उसके बाद अगला जनमत का निर्माण।
लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के साधनों जैसे प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि स्वतंत्रता आवश्यक है। यानी इन सभी को सरकार अगर सही कार्य करती है तो उनके लिए बोलना, या सरकार अगर गलत कार्य कर रही है तो उनके खिलाफ लिखना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार जो चाह रही है उसके अनुसार, यानी ये सारे के सारे सरकार के अंडर में काम नहीं करने चाहिए, ये स्वतंत्र होने चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे से ही पता चलता है सरकार के बारे में, पूरी सच्चाई के बारे में। अगर मान लो यही क्या करते रहे, सरकार की अच्छाई अच्छाई गिनाते रहे, तो लोगों में क्या हो जाएगा, सिर्फ सरकार अगर मान लो कोई गलत काम भी करती है तो अपने को उसके बारे में अच्छाई के बारे में बता दिया जाएगा, गलत काम बताएंगे नहीं, तो अपन ये सोचते हैं कि ये सरकार बहुत अच्छी है, जबकि पीठ के पीछे क्या कार्य होता है वो बहुत ही भयानक हो सकता है। तो प्रेस, साहित्य, यानी अखबारों के अंदर, रेडियो, सिनेमा, जो समाचार वगैरह में क्या होनी चाहिए, जो सच्चाई होनी चाहिए वही दिखानी चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा बहुत ही कम ही होता है। ताकि शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र विरोधी नीतियों कार्यों का आलोचना कर शासन की जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यानी फिर अपन ऐसी लोकतांत्रिक गलतियां, यानी जो गलत कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ क्या करना चाहिए, लोग जनता उसका विरोध कर सके, या जो शासन है वो सारा का सारा जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, ना कि जनता को शासन के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जनता के लिए शासन होता है, ना कि शासन के लिए जनता होती है। इसके बाद है अगला जो परिस्थिति, वो है नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। जब किसी समाज में नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय श्रेष्ठ होता है तो वहाँ लोकतंत्र सफल होता है। जहाँ का समाज ही खुद ही क्या हो, नागरिकता, वहाँ की नैतिकता और राष्ट्रीयता अगर श्रेष्ठ होगी तो खुद अपने ही समझते हैं कि लोकतंत्र क्या होगा, वहाँ का सफल होगा। यानी नागरिकों में क्या होगी, लोगों में नागरिकता की जहाँ पहचान होगी, लोग नैतिक कर्तव्य को समझते हैं, राष्ट्रीय जो श्रेष्ठ है, जहाँ का राष्ट्रीयता श्रेष्ठ है, लोग देश प्रेम को समझते हैं, तो वहाँ की लोकतंत्रता सफल होगी, ठीक है, सफल होने की बहुत उम्मीद होती है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्तव्यों को उचित प्रयोग करते हैं। यानी जो समाज के अंदर लोगों के अपने अधिकार हैं और अपने कर्तव्य हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं तो लोकतंत्र सफल होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। देखो यहाँ पर विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जो सत्ता के अंदर उचित बंटवारा, यानी जो इस कार्यों को लेकर उचित बंटवारा करना, तथा जो संसाधन है उनका उचित उपयोग करना, तथा स्थानीय स्वशासन। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता का विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। अगर सारा का सारा कार्यकाज जैसे राजतंत्र में होता है एक ही कार्य लोग करते रहेंगे, व्यक्ति करता रहेगा, तो फिर जनता में उसका कोई भी कार्य भाग का बंटवारा नहीं होगा। जबकि अगर विकेंद्रीकरण होगा तो जो कार्य उचित भाग को दिए गए हैं उनको सबको बांटना और जो संसाधन वगैरह है उनका सभी में बंटवारा करके उचित उपयोग करना। जनता के विभिन्न वर्ग में शासन कार्यों को भाग लेते हैं। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय स्वशासन है। विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा रूप कौन है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब छोटे छोटे रूप में शासन को चलाना, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह जो होती है उनके अंदर, जिससे क्या हो, लोग धीरे धीरे शासन को समझे और ज्यादा से ज्यादा इसमें राजनीतिक लोकतंत्र में भाग लें। इसके बाद है अगला नागरिक स्वतंत्रता। नागरिकों की अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है, वो मानता है कि सीमित शासन का सिद्धांत हो। इसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। यानी लिखित सीमित शासन का मतलब क्या होता है, लोगों के अंदर संविधान द्वारा जो नागरिक को मौलिक स्वतंत्रता दी गई है, जो लोगों के बीच स्वतंत्रता दी गई है, जिस भी धर्म को चाहे वो अपना सकता है, ठीक है, जहां चाहे वो रह सकता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति दी गई है तो वो उन सभी को क्या की जानी चाहिए, वो उसको स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। इस स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए और स्वतंत्रता जो स्वतंत्रता दी गई है उनकी रक्षा का प्रबंधन भी किया जाना चाहिए, तभी क्या हो सकती है, वहां की लोकतंत्र सफल हो सकती है। अगला जो है लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। यानी संविधान, लिखित संविधान होना चाहिए और लोकतांत्रिक परंपराएं होनी चाहिए। लिखित संविधान का मतलब होता है संविधान की भाषा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो संविधान की भाषा है उस पर खुद भरी क्या हो, तर्क वितर्क हो रहे हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ताकि उसकी व्याख्या को लेकर कोई विवाद या भ्रम उत्पन्न नहीं हो। ऐसा बिल्कुल संविधान की भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसके ऊपर लेकर, उसकी व्याख्या को लेकर कोई भी वाद विवाद वहां पर उत्पन्न हो जाए या उस पर विवाद या भ्रम उत्पन्न हो। इसके अलावा संविधान में संशोधन की पद्धति कठोर होनी चाहिए, और ये सबसे महत्वपूर्ण है संविधान के अंदर संविधान संशोधन। यानी अपन सुनते हैं संविधान संशोधन हो चुका है, संविधान संशोधन होता है बार बार, तो वो संविधान संशोधन की
पद्धति इतनी कठोर होनी चाहिए कि जैसे मान लो अपने सरकार जो चाहे उस अपनी मनमर्जी से कोई भी संविधान में संशोधन नहीं कर सके। ऐसा अगर होता तो फिर हर सरकार अपने हिसाब से संविधान में संशोधन करके और संविधान का तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो संविधान की जो संशोधन की पद्धति है वो बहुत ज़्यादा कठोर होनी चाहिए। इसके बाद है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका, यानी इस तरह की न्यायपालिका होनी चाहिए जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, कहीं पर भी पक्षपात नहीं हो और शक्तिशाली भी होनी चाहिए। लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती, अपितु उसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक मर्यादाओं में व सीमाओं में स्वीकारना होता है। ऐसा नहीं है कि जो सरकार बन गई वो अपनी मनमर्जी से ही सत्ता चलाती रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको क्या है, जो संवैधानिक मर्यादाओं में रहकर और सीमाओं में रहकर ही उसको कार्य करना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी है। ऐसी न्यायपालिका होनी चाहिए जो किसी में भी पक्षपात नहीं करे, सरकार का ना तो पक्षपात करे और ना ही किसी ऐसी या किसी संघ या पार्टी का पक्षपात करे, वो बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, जैसा सटीक निर्णय वैसा ही निर्णय उसका द्वारा दिया जाना चाहिए। उसके बाद है योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र, यानी जो इसके अंदर जो कर्मचारी तंत्र है वो न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्य में कुशल होने चाहिए अपितु उसे आम जनता के लिए भी सेवाभावी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कर्मचारी इसके अंदर होते हैं वो सिर्फ प्रशासनिक कार्यों में तो कुशल होने नहीं चाहिए, यानी जो उसको प्रशासन द्वारा उसको कार्य दिया गया है उसके अंदर वो एकदम सटीक होने चाहिए, कुशल होने चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी इसकी मतलब 100% ईमानदारी तो होनी चाहिए, साथ में को क्या हो आम जनता को भी सेवा भाव में उसका अंदर होना चाहिए, यानी आम जनता की वो क्या कर सके, सेवा कर सके, ऐसा भी उसके अंदर भाव होना चाहिए। उसके बाद अगला है स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था, यानी राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर होना चाहिए, यानी ऐसे आधार पर होना चाहिए उनका संगठन क्षेत्रीय भाषा या सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए, या किसी क्षेत्र से संबंधित या भाषा से संबंधित या संप्रदाय से संबंधित उसका जो गठन नहीं होना चाहिए, निर्माण नहीं होना चाहिए, जबकि राष्ट्रीय आधार पर उनका होना चाहिए, यानी राष्ट्रीयता के आधार पर उनका व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी लोकतंत्र के जो दलीय दल होते हैं उनकी व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली परिस्थिति है वो है योग्य व निष्ठावान राजनेता, यानी राजनेता जो नेता होते हैं वो भी क्या होने चाहिए, योग्य और निष्ठावान होने चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य बुद्धिमान तथा लोकतंत्र के निष्ठा वाले राजनीतिज्ञों का होना बहुत जरूरी है, यानी ऐसे राजनेता होने चाहिए जो क्या हो, बुद्धिमान हो, योग्य होने चाहिए, पहले तो उनके अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए नेता बनने की, बुद्धिमान होने चाहिए इतने वो के इंटेलिजेंट भी होने चाहिए, और साथ में उसको लोकतंत्र में निष्ठा वाले राजनीतिज्ञों की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, होना बहुत जरूरी है उसके अंदर ये सब, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता आजकल, जो चाहे नेता बन सकता है, चाहे वो अनपढ़ भी क्यों ना हो, चाहे वो देश की समझ रखता हो या नहीं रखता हो, मानवता की उसके अंदर ज्ञान है या नहीं है, लेकिन फिर भी नेता बन सकता है। तो जो अपने पढ़ा था उसके अंदर दोष के अंदर पढ़ा था। अगला है सार्वजनिक हित के राष्ट्रीय योजनाएं, यानी राष्ट्र के अंदर ऐसी योजनाएं बननी चाहिए जो सार्वजनिक हित में हो, जनता के लिए हित के हो, शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाए जो क्या हो, एक और कृषि उद्योग को संतुष्ट विकास के सहायक हो और एक राष्ट्रीय आय की वृद्धि करते हो, यानी ऐसी जो योजनाएं बनानी चाहिए जिससे राष्ट्र की क्या हो, आय में विकास हो। ठीक है, कृषि उद्योग के संतुलन के विकास में सहायक हो, यानी कृषि के लिए सहायक हो, उद्योगों के लिए संतुलित विकास हो और साथ में राष्ट्र की आय में भी वृद्धि होनी चाहिए, यानी ऐसी उनके लिए राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिससे क्या होगा, लोकतंत्र के सफल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद है लास्ट आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति, आधारभूत मामलों पर समाज के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा तथा राजनीतिक दलों में सहमति होना चाहिए। आधारभूत मामलों में ऐसे मामलों में निजी जो आधारभूत मामले होते हैं उन पर क्या हो, समाज में जो बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक है वर्ग, चाहे बहुसंख्यक वर्ग हो गए चाहे अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक का मतलब होता है जो देश के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कोई वर्ग है, अल्पसंख्यक का मतलब बहुत कम मात्रा में जो वर्ग है, या फिर राजनीतिक दलों में क्या होनी चाहिए, आपस में सहमति होनी चाहिए, आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। तो ये थे लोकतंत्र को सफल बनाने की जो परिस्थितियां थी वो। तो ये था आपका पांचवा चैप्टर, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये चैप्टर आपको समझ आया या नहीं आया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।